नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज का ये वीडियो सोडियम परबोरेट पे। सोडियम परबोरेट आज के डेट में बहुत से लोग अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, और अगर यदि आप भी उन्हीं में से हो जो सोडियम परबोरेट को अपने प्रोडक्ट में यूज़ करते हो, तो मेरा सवाल है कि भाई क्यों यूज़ करते हो? हाँ, अगर इसका जवाब आपके पास है कि हाँ हमें पता है इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो अलग बात है। हाँ, अगर आपका जवाब ऐसा है कि क्यों यूज़ करते हैं इसका तो आइडिया नहीं है, बस हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें सोडियम परबोरेट लिखा हुआ है तो हम यूज़ करते हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है ख़ास करके, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो बात बताने वाला हूँ कि सोडियम परबोरेट को यूज़ क्यों किया जाता है और किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद से आइडिया लगा लेना कि आपको सोडियम परबोरेट आपके प्रोडक्ट में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलते वीडियो की तरफ। और भाई अभी कोई भी मुझे यार फार्मूला एक्सेल के लिए मत बोलना, क्योंकि फार्मूला एक्सेल अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। हाँ, अगर किसी को फार्मूला बुक परचेस करनी है तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और भाई ना ही केवल यार फॉर्मूले की वीडियो, बल्कि कुछ केमिकल इन्फॉर्मेशन की वीडियो होती है ना, उसको भी देख लिया करो, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। आपको बार बार किसी को फॉर्मूला पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास केमिकल का भी नॉलेज है, आप जो भी केमिकल इसमें यूज़ करते हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, उसको क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारी बातें अगर आपको पता रहेगी तो आप कोई भी प्रोडक्ट खुद से भी डिज़ाइन कर सकोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकोगे, आप फॉर्मूला खुद से बना सकोगे, अगर आपके पास केमिकल के बारे में नॉलेज है। और नॉलेज कैसे आता है? तो भाई नॉलेजेबल जो वीडियो होती है, जो सभी वीडियो नॉलेज प्रोवाइड करती है, उस वीडियो को भी देखा करो, उसको समझो, तो आपको भी नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सोडियम परबोरेट के इस वीडियो पे। अब सबसे पहले सोडियम परबोरेट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसको सोडियम परबोरेट के अलावा PBS के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में एक सफ़ेद पाउडर होता है, जैसे ही जैसा हमारा SLS पाउडर होता है उसी टाइप का सफ़ेद पाउडर होता है। आमतौर पे ये दो प्रकार में विभाजित है, मोनोहाइड्रेट या फिर PBS1 कहा जा सकता है, या फिर टेट्राहाइड्रेट जिसे PBS4 कहा जाता है। ये दोनों ही सफ़ेद, गंधहीन और पानी में घुलनशील पाउडर होते हैं, जो कि आसानी से पानी में डाइल्यूट होते हैं। लेकिन अब इसके बारे में भाई इतने पे ही मत रुक जाना, थोड़ा आगे भी जानते हैं। आगे जानते हुए ये सोडियम परबोरेट जो होता है, इसको खास करके डिटर्जेंट लिक्विड में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का ब्लीच होता है। लेकिन जो बाकी जो ब्लीचिंग होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और अन्य ब्लीच होता है, उनकी तुलना में ये थोड़ा कम पावरफुल होता है, जिससे कि इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये कपड़ों में रंग को निकालने से रोकता है। जैसे अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करें, अगर स्ट्रॉन्ग ब्लीच है तो आप यूज़ करके देखोगे तो कुछ 3 से 4 बार उसमें कपड़े धुलने पे कपड़ा एकदम ख़राब हो जाता है। तो अगर उसकी मतलब मात्रा में देखो तो सोडियम परबोरेट से वो चीज़ नहीं होती है, कपड़ों को नुकसान नहीं होता है। साथ ही ये एक एंटीसेप्टिक भी होता है, कीटाणुनाशक भी होता है। ये किस तरीके से होता है? अगर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो ये कीटाणुनाशक नहीं होता है, एंटीसेप्टिक नहीं होता है। लेकिन जब ये पानी में डाइल्यूट होता है तो पानी के H2O यानी कि हाइड्रोजन के साथ में मिलके ये हाइड्रोलिसिस से गुजरता है, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि कॉमनली अगर देखा जाए तो एक तरीके का एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक है, तो उसी के चलते जब ये पानी में डाइल्यूट होता है तब ये एंटीसेप्टिक बन जाता है, कीटाणुनाशक बन जाता है। तो इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये भी होता है कि जो कपड़े होते हैं उनमें अगर गंदगी है, कुछ जर्म्स वगैरह लगे हुए होते, तो ये साफ़ करने में मदद करता है। ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है, कपड़े धोने के मामले में कपड़े काफ़ी अच्छे बनते, काफ़ी अच्छे धुलते। तो इस तरीके का डिस्कशन करके आप कस्टमर को सेटिस्फाइज भी कर सकते हो, अगर आप आपके प्रोडक्ट में इस चीज़ को यूज़ करते हो। अब बात करते हैं इसकी मात्रा को, कितनी मात्रा में इसको यूज़ करना है। तो जितना ही आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हो
उतनी ही मात्रा में इसको भी यूज़ किया जा सकता है या फिर उससे कम मात्रा में इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक लिक्विड फॉर्म में होता है, IPA भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वहीं देखा जाए तो ये सफ़ेद पाउडर यानी कि पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसकी मात्रा में इसको आधा भी यूज़ करोगे तो भी चल जाएगा। अब इसकी एग्जैक्ट मात्रा यार कोई कमेंट बॉक्स में मत पूछना, ज़्यादा बेहतर होगा, आपको खुद ही डिसाइड करना अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो अलग बात है। और साथ ही साथ इसको और भी किसी कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें अगर आपको जर्म्स प्रोटेक्टिंग रखना है, ख़ास करके न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट, एसिडिक प्रोडक्ट या फिर अल्कलिन प्रोडक्ट नहीं, न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट जिसका पीएच 7 से लेकर करीब 9 तक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 9.5 तक होना चाहिए, जैसे कि हमारा डिश वॉश हो गया, डिटर्जेंट हो गया, हैंड वॉश, फेस वॉश, इस टाइप के अगर कोई प्रोडक्ट होते हैं, फेस वॉश में मत यूज़ करना, हैंड वॉश तक अगर आप इसको यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जर्म्स प्रोटेक्टिंग देता है, आप कस्टमर को इस तरीके से सेटिस्फाइज भी कर सकते हो। फ्लोर क्लीनर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जो भी फ्लोर में जर्म्स वगैरह लगे होते हैं उसको साफ़ कर देगा, ये एंटीसेप्टिक होता है तो बढ़ने से रोकेगा। तो इस तरीके के प्रोडक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, मात्रा आपको खुद ही डिसाइड करनी होगी। ये थी एक सामान्य जानकारी सोडियम परबोरेट के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो अगर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। केमिकल इन्फॉर्मेशन की सीरीज़ में और भी आगे वीडियो आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर एक वीडियो लंबा चौड़ा हो, कुछ वीडियो की जानकारी छोटी होती है तो उन्हें छोटे में निपटाना पड़ता है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।